दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभिनेता शाहरुख खान आज बॉलीवुड के बादशाह के नाम से जाने जाते हैं और शाहरुख खान ने इंडस्ट्री में अपनी एक अच्छी खासी पहचान बनाई क्योंकि इन्होंने अपनी मेहनत और दमदार अभिनय के बदौलत एक अलग ही मुकाम हासिल किया है और शाहरुख खान के फैंस हमेशा उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े रहते हैं। शाहरुख खान अक्सर अपनी बेटी सुहाना खान और बेटे आर्यन और अबराम के साथ साथ अपनी पत्नी गौरी खान के साथ अक्सर लाइमलाइट में नजर आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अभिनेता शाहरुख खान की बड़ी बहन बॉलीवुड से दूर आखिरकार क्यों जी रही है गुमनाम की जिंदगी? आखिरकार किंग खान की बहन के साथ ऐसा क्या हुआ कि आज वो गुमनामी जिंदगी जी रही है? अगर आप भी जानना चाहते हैं उस वजह के बारे में तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, पर उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूले। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि शाहरुख खान अपनी फिल्मों की वजह से और एक्टिंग की वजह से खूब जाने जाते हैं और अक्सर लाइमलाइट में बने रहते हैं, तो वहीं इनकी पत्नी गौरी खान और इनके बेटे आर्यन, अबराम और सुहाना तो हमेशा सुर्खियों में छाए रहते हैं। लेकिन उनकी बहन शहनाज लाइमलाइट से काफी दूर रहती है क्योंकि इनकी बहन काफी बेहद दर्दनाक सिचुएशन में रही है। जी हाँ, आपको बता दें, शाहरुख खान की बड़ी बहन है जिनका नाम पूरा शहनाज लाल रुख है और शहनाज आर्यन की जेल की रिहाई के बाद मन्नत में नजर आई थी और तब शाहरुख खान ने जुड़े इस बेहद दर्दनाक किस्से के बारे में SRK ने अपने एक इंटरव्यू में जिक्र किया था, जहाँ उन्होंने बताया था कि शहनाज काफी लंबे समय तक डिप्रेशन का शिकार रही है। किंग खान ने बताया था कि उनकी बहन बेहद पढ़ी लिखी है लेकिन एक हादसे ने उनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। जी हाँ, साल 1981 में जब शाहरुख खान के पिता की मृत्यु कैंसर से हुई थी, जिस दिन उनके पिता की मृत्यु हुई थी उस दिन उनकी बहन शहनाज घर पर नहीं थी और जब वो घर आई तो उन्होंने अपने पिता को मृत घोषित पाया तो शहनाज सीधी की सीधी खड़ी रह गई थी और पापा की डेड बॉडी देखकर बस वो देखती ही देखती रह गई। ना वो रोई थी, ना कुछ कर रही थी, ना कुछ कह रही थी और अचानक गिर पड़ी और उनका सिर जमीन से जाकर लगा और इस हादसे में उनके सिर में गहरी चोटें लगी थी जिसके चलते वो बीमार रहने लगी और सदमे में चली गई। और पिता की मृत्यु के 3 महीने बाद ही इनकी मम्मी का भी निधन हो गया, जिसके बाद तो शहनाज पूरी तरह से टूट गई और उनका बुरा हाल हो गया। पर शाहरुख खान ने अपनी बहन का खूब ध्यान रखा और उनका इलाज करवाया था। आगे शाहरुख खान ने बताया कि जब वो DDLZ फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तब उनकी बहन का स्विट्जरलैंड में इलाज चल रहा था और इंडिया में तो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिए थे कि वो नहीं बच पाएगी। शाहरुख खान ने अपनी बहन की जान बचाई और आज इनकी बहन शहनाज इनके साथ रह रही है और इनकी बहन शहनाज अपने मेडिकल इश्यूज की वजह से ज्यादा बाहर घूमना फिरना पसंद नहीं करती हैं, इसलिए वो आज गुमनामी की जिंदगी जी रही है। दोस्तों, आप शाहरुख खान की बहन शहनाज की गुमनामी जिंदगी के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।